राजनीति में शुचिता और विचारधारा की बातें बहुत कही सुनी जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसे वाकये सामने आते हैं जिन्हें देख और सुनकर दिमाग सुन्न हो जाता है। हम बात कर रहे हैं ऐसे नेताओं की जिन्हें समाज में रोल मॉडल की तरह पेश होना चाहिए, लेकिन वो अपने करतूतों से अपने पेशे को दावेदार करने से बाज नहीं आते। मामला दरअसल अश्लीलता और सेक्स से जुड़ा है, जो इस दफा हिमाचल प्रदेश में सामने आया है। यहाँ भाजपा की महिला मोर्चा की एक नेता का अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला के साथ एक पुरुष भी है जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी बताया जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद हालांकि पार्टी ने दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वीडियो को देखकर लगता है कि जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ रजामंदी से हुआ, लेकिन सवाल ये है आखिर ये वीडियो किसने बनाया और वायरल किसने किया, जांच का ये विषय है। पुलिस को भी इस मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इस वायरल MMS ने भूचाल ला दिया है। ये पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूलत की कथित अश्लील सीडी का मामला गरमाया था। बाद में खुलासा हुआ मुंबई की लैब में अश्लील सीडी को एडिट किया था। MP के कद्दावर नेता और वित्त मंत्री रहे राघव जी का सियासी सफर भी अश्लील सीडी के कारण खत्म हुआ था। उज्जैन में BJP के तत्कालीन संभागीय संगठन मंत्री प्रदीप जोशी अश्लील चैटिंग के मामले में फंसे थे। प्रदीप जोशी का एक युवक से अश्लील चैटिंग का ऑडियो और वीडियो वायरल हुआ था। BJP के पूर्व संगठन महासचिव संजय जोशी का नाम भी कथित अश्लील सीडी को लेकर काफी उछला था। ऐसे एक नहीं कई मामले सामने आए हैं जब अश्लील वीडियो और MMS ने राजनीति को दावेदार किया है। हालांकि ये भी सही है कि ज्यादातर मामलों में जांच के बाद मामलों की हवा निकल गई, लेकिन सवाल यही है कि देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप से आगे जाकर षड्यंत्र पूर्वक किसी के चरित्र पर उंगली उठाने तक बात जा पहुंची है, आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का मुद्दे में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में BJP नेताओं का अश्लील MMS सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके पहले भी कई नेताओं के इस तरह की गाज गिर चुके हैं। यहां तक कि कई नेताओं ने तो ऐसे भी हैं जिनका फिर कभी राजनीति में आ ही नहीं पाए। लिस्ट बहुत लंबी है, पर इन सब के पीछे सवाल यही, जनता के नुमाइंदे जो जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं वो इतने अमर्यादित हो तो क्या ये सही है? क्या उन पर विश्वास कर उनको जनता को अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए? जी हाँ, यही हमारा आज का विशेष पॉलिटिक्स का MMS। तो चलिए आज इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन ये बड़ा लंबा विषय है और ये विषय ऐसा है कि स्वाभाविक तौर पर जब इस तरह के कोई वीडियो सामने आएंगे तो चर्चा भी खूब होती है और सवाल भी खड़े होते हैं राजनीति पर, क्योंकि शुचिता की बात की जाती, चाल चरित्र चेहरे की बात की जाती, लेकिन जब ये MMS सामने आते हैं तो बड़ा सवाल यही होता है कि ये सब बातें क्या सिर्फ कहने की है। चलिए, मेरे साथ रहेंगे आज चार मेहमान। शैलेंद्र प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। सतीश सक्सेना जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत करता हूं। अजय शाह जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, उनका स्वागत करता हूं। शंकर पांडे साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ेंगे, उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा सतीश सक्सेना साहब के पास, वरिष्ठ पत्रकार है। सतीश जी, आपने लंबे समय से देखा है कई राजनीतिक स्तर पर, ये पहली दफा नहीं है जब इस तरह का कोई MMS सामने आया है, एक लंबी फहरिस्त है, और राजनीति में इस तरह के सवाल उठना क्या वास्तव में लाजमी है? और ये जो सब आ रहा है तो क्या कहा जाए, क्या राजनीति गंदी हो गई? राजनीति गंदी तो नहीं हुई, एक्चुअल में हुआ क्या है कि आधुनिकीकरण हो गया। जब राजनीति शुरू हुई, देश आजाद हुआ 47 में, तो रेडियो हुआ करता था गांव में, मोहल्ले में, एक आध किसी के पास, और फिर धीरे धीरे चल के एक टेलीफोन हो जाया करता था या पोस्ट ऑफिस होता था, वहां जाके आदमी फोन से बात कर लिया करता था। जिस तरह आधुनिकीकरण हुआ और जिस तरह इसका विस्तार हुआ और प्रसार हुआ, और जब ये 2G 3G 4G कितने जी आ चुके हैं, जब इनका हुआ और जब ये मोबाइल का चलन चला 98 या 99 से जी चलन चला, उसके बाद में इसको ट्रोल किया, अब ये विकसित हो गया। आप
इसके कस्टमर भी 2-3-4 करोड़ में समझता हूँ पूरे देश भर में होगा। अब प्रतिद्वंदिता क्या होती है कि प्रतिद्वंदिता तो आप चाहे पंचायत का चुनाव ले लें, चाहे आप म्यूनिसिपलिटी का चुनाव ले लें, चाहे आप विधानसभा का चुनाव ले लें या पार्लियामेंट का चुनाव ले लें, प्रतिद्वंदिता तो हर जगह होती है और स्वाभाविक रूप से होना भी चाहिए और ये होता है। अब उसका स्वरूप जो है वो दूसरा बदल गया। जैसे अभी आपने उदाहरण दिया जी, सबसे पहला आपने बताया राघव जी का, तो राघव जी के साथ प्रतिद्वंदितावश समझे कि नहीं, उनका जो सीटी बनाई गई और वो पार्टी को दिखाई गई, उस आधार पे उनको पार्टी से निकाल दिया गया और वो आज बेचारे वो अपना वनवास जो है वो बैठे। लेकिन सर सीडी तो जब ही बनेगी ना, जब कुछ होगा, बिना उसके सीडी कैसे बन जाएगी? देखिए साहब, इसमें मैं दो चीजों का पक्षधर हूँ। एक बात समझ जी, जी। अपन ये पार्टीशन है, जैसे प्रधान जी हैं, अब ये पार्टीशन तो है, लेकिन पार्टीशन के साथ साथ इनका एक निजी जीवन भी होता है। बिल्कुल होता है। अब इनके निजी जीवन में अपन ताक झाक करें और उसको अपन सार्वजनिक करें, एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, एक बार समझ लीजिए आप। जी जी। और राजनीति में अब जैसे आपने कहा चाल चरित्र चेहरा, वो जमाना चला गया, वो टाइम था एक चाल का, चरित्र का और चेहरे का, ये चाल चरित्र चेहरा अब समाप्त हो चुका है जी। अब ये सेवा भाव वाली बात नहीं है राजनीति में, एक बार समझ लीजिए आप। जी जी। अब तो ये है कि कितना हमारा प्रभाव क्षेत्र में रह सकता है, कितना प्रभाव हमारा राज्य में रह सकता है, हम कितने कद्दावर नेता हो सकते हैं, अब इस ये मिशन है, और कितने हमारे समर्थक हो सकते हैं। और दबाव की पॉलिटिक्स चालू हो गई है आजकल, अगर टिकट नहीं दिया आपने तो उसके लिए प्रेशर पॉलिटिक्स है, उनके 100 लोग 500 लोग 1000 लोग जाएंगे और टिकट के लिए डिमांड करेंगे। तो ये जो जिस तरह का ये चला है अब, हालांकि मैं इस चीज को या इस तरह की प्रवृत्ति को मैं कभी भी मतलब ये कि प्रोत्साहित वाली बात नहीं कहूंगा कि इसको अपन को प्रोत्साहित करना जी, चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए, ठीक है। हालांकि राज्य सरकार ने अलग से साइबर सेल भी बना दिया है जी, और वहां इस तरह की शिकायत अपन इस मुद्दे पर भी लौटेंगे कि इसमें आखिर क्या हो सकता है, ये भी आपसे मेरा सवाल रहेगा। प्रधान साहब भी मेरे साथ है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आप, और मुझे लगता है कि आपने वो वाला दौर भी देखा है और आज का वर्तमान का दौर भी देखा, जिन नेताओं पर कार्रवाई हुई, कुछ आपके दौर के थे और कुछ वर्तमान दौर के हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है, यदि ये बार बार सीडी सामने आ रही है तो कुछ तो गड़बड़ है, या फिर ये मान लिया जाए कि अब राजनेता ये समझ बैठे हैं कि इन सब के आ जाने से ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, थोड़े दिन चलेंगे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये सब चलता रहेगा? वैसे तो शास्त्रों में भी हमने देखा है कि बड़े 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 ऋषि मुनि भी कहीं ना कहीं जाके भटक गए जी। राजा महाराजाओं में तो ये आम प्रचलन था, इसको मतलब उनकी विलासिता से जोड़ा जाता था, पर आज हमारे समाज में ये स्वीकार नहीं है। और इस तरह से किसी भी कार्यकर्ता द्वारा कोई कृत्य किया जाता है तो निश्चित ही इससे पार्टी का नुकसान होता है जी। और ये कई बार जानबूझ के ट्रैप किया जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये जो प्रकरण आए हैं सामने जी, ये इसमें से कितने प्रकरण हैं और कितने नहीं है, पर एक पॉलिटिकल असैसिनेशन की एक प्रक्रिया है जी। व्यक्ति जैसा माननीय सत्यजीत जी कह रहे थे, उनका अपना एक निजी जीवन तो है, पर जब आप किसी सार्वजनिक जीवन सार्वजनिक कार्य में और सार्वजनिक जीवन में रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो मर्यादा रखनी होगी। बिल्कुल। और अगर आप नहीं रख पाएंगे तो निश्चित ही जैसा अभी हुआ, उनको निष्कासित कर दिया गया, उनका करियर खत्म हो गया। तो मैं सोचता हूँ जो व्यक्ति इन सब चीजों में अगर लिप्त है तो या तो राजनीति में ना आए, और आए तो अपना भी ध्यान रखे और पार्टी के की भी चिंता करें कि आपके कोई गलत कृत्य के कारण पार्टी और पार्टी के कारण देश में उस संस्था का कितना अपमान होता, कितनी बदनामी होती। मैं निश्चित ही ऐसे कृत्य का समर्थक नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आप हो भी कैसे सकते हैं, क्योंकि आपने तो राजनीति का वो चाल चरित्र चेहरे वाली राजनीति की है, तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। अजय जी, आप वर्तमान दौर के नेता हैं, प्रधान साहब आपसे पहले वाले दौर के नेता हैं, लेकिन क्या ये जो सब चल रहा है जिसे आप देख रहे हैं राजनीति में,
क्या कहेंगे सर? सब जो कुछ जिसके लिए हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, वो जैसे सक्सेना साहब ने भी कहा और शास्त्रों का जिक्र प्रधान जी ने भी कहा, ये जो चीजें हैं नैसर्गिक चीज थी जो चली आ रही थी गाहे बगाहे, लेकिन पर्दे के पीछे थी। अब ये आपने जो भी कहा कि MMS बनाता कौन है, ये आधुनिकता या आधुनिकीकरण का उपहार है, ये इसको मैं मानता हूं, क्योंकि ये चीज नई नहीं है जी, ना समाज में ना व्यक्तिगत जीवन में, सदियों से चली आ रही है। आदरणीय प्रधान साहब ने कहा भी कि ऋषि मुनि तक जिनको हम बड़े श्रद्धा भक्ति से पूछते थे वो भी फिसले हैं। तो राजनीतिक अगर कोई फिसलता है तो वो परंपरा तो वही है ना साहब जी, वहां MMS नहीं था, वो आधुनिक वो नहीं थे, सिर्फ हमने पढ़ा है, यहां हमने देख लिया है, फर्क उसका है। फिर जिस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है, वो कहते हैं ना वो एक धुरी है पृथ्वी, वो घूमती रहती है, वो घूमते घूमते अभी आप देखिए एक तो जमाना था। अभी ये पता है नेताओं को कि ये पहले था जो हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं कि पहले भी ऐसा होता रहा, लेकिन अब तो पता है, अब लिखना नहीं है, अब दिख रहा है, तो दिख रहा है तो क्यों नहीं सुधर जाते? नहीं देखिए, एक नैसर्गिक चीज है सेक्स, माफ कीजिए जी, लेकिन मैं इस चीज को मानता हूं और मेरे दोनों बड़े भाई और आप भी मानेंगे, एक नैसर्गिक चीज है, बिना इसके ये जीवन भी नीरस है, और बिना उसके ना तो मैं यहां इस जिंदगी में आता, ना हम में से कोई आता। ठीक बात। तो दिक्कत क्या, इसका विकृत रूप जो सामने आता है वो हानिकारक है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, अभी अभी इसी सरकार ने आर्टिकल 377 जी अबॉलिश किया, कंसेंसस सेक्स, कंसेंसुअल सेक्स आज कोई अपराध नहीं है। तो ऐसे जमाने में जब हम अडल्ट्री वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमको भी ये सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी। अगर जो कुछ दिखा हुआ है, देखिए जिसने MMS बनाया, अगर उनमें से किसी ने बनाया उसको ब्लैकमेल करने के लिए, तो घोर निंदनीय है। देखिए मुझे लगता है जब MMS सामने आते हैं तो उसके पीछे जो आपने जिस लफ्ज का इस्तेमाल कर लिया ब्लैकमेल, मुझे लगता है वो, क्योंकि संभावना बहुत कम हो जाती है कि आप कहीं किसी जगह हैं किसी के साथ, या आपका निश्चित रूप से निजी जीवन है, आप कैसे जी रहे हैं उस पर हमें बोलने का हक नहीं है, उस पर हमें चर्चा करने का हक भी नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ें बाहर आती, सार्वजनिक जीवन में बाहर आती, तो ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं यदि कैमरे में आप कैद हो रहे हैं, तो कई दफ़ा ये हो सकता है कि विधिवत किसी ने एक रासलीला रच दी हो, रामलीला रच दी हो, आप जिसका शिकार हो जाए। लेकिन ये बार बार यदि ये सामने आ रहे, तो मुझे लगता है जो आपने लफ्ज का इस्तेमाल किया वो ज्यादा होगा। नहीं, मैं इससे आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन साथ ही साथ वो नैसर्गिकता की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक पानी है, फ्लो है ना, अविरल एक गंगा ऊपर से नीचे आ रही है, वहां बांध बना देंगे तो कुछ देर के लिए आप उसको पानी को इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन जब वो ज्यादा हो जाएगा, सीमा से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो बह जाएगा, तबाह हो जाता है। मैं इसीलिए इस मामले में मैं जरूर कहना चाहूंगा, विकृत चाल चेहरा चरित्र और चेहरा, इससे माफ कीजिए मेरे आदरणीय यहां बैठे हुए हैं, इससे भाजपा का है नाता गहरा। आप ही ने बताया राघव जी कौन थे, प्रदीप जोशी कौन थे, संजय जोशी कौन थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी आप नैसर्गिक, क्योंकि RSS में यह है कि आप यू कैन नॉट गेट मैरिड, और जो जो चलिए जी जी बिल्कुल आपने कहा। और चलिए इस एक सवाल का जवाब मैं छत्तीसगढ़ से भी ले लेता हूँ। इस वक्त शंकर पांडे साहब मेरे साथ जुड़ गए, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। पांडे साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। बिल्कुल, आपके यहाँ भी CD की चर्चा बहुत हुई है और उसके कारण राजनीति किस तरह से गरमाई थी, एक CD सामने आई थी, लेकिन गाहे बगाहे वहां से भी कुछ ऐसे MMS और तमाम सारी चीजें सामने आती रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। आप ये जो जिस तरह का एक सिलसिला चल पड़ा है सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में, ये सब कैसा देखते? ये सही है कि आजादी के बाद नेता एक आदर्श हुआ करते थे समाज में, उनसे लोग प्रेरणा लेते थे, पर पिछले 15-20 सालों में जिस तरह से नेताओं के ऊपर आरोप लग रहे हैं और जिस ढंग से MMS और CD आ रही है, ये दुखद है। मेरा ये कहना है कि अगर सार्वजनिक जीवन में आ रहे हैं नेता, आ रहे हैं वो पार्षद हों, विधायक हों, सांसद हों, तो सामाजिक मर्यादाओं का उन्हें पालन करना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी क्या है, कैसी है, ये मतलब नहीं है, पर समाज के जो नियम कानून कायदे हैं उनको उन्हें अपने अनुसार ढालना चाहिए। आखिर वो समाज का नेतृत्व करते हैं, कई लोगों का नेतृत्व करते हैं,
जहां तक ये सवाल उठता है कि ये जब से, सही बात है, जब से ये मोबाइल आया है उसके बाद से ये टीवी मोबाइल ये सब ये जो लगातार ये जो चल रहा है और व्यक्तिगत जिंदगी नहीं है भाई, आदमी को सूचना का पालन करना चाहिए। अगर वो नेता है, अगर वो नेतृत्व कर रहा है तो उसे संयम बनाए रखना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत जिंदगी है तो व्यक्तिगत जिंदगी उसके परिवार में उसके घर में होती है, सार्वजनिक ना हो इसके लिए उन्हें भी बच के रहना चाहिए, जब मालूम है इस तरह की हरकतें आजकल चल रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और यही हमारा कहना है कि आपको भी पता है कि हर हाथ में एक मोबाइल है और हर जगह एक ऐसा कैमरा लगा है जो आप और हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन वो देख रहा है। वापस चलूंगा मैं सक्सेना साहब के पास। सक्सेना जी, आप कह रहे थे कि साइबर क्राइम है, साइबर की कई सारी पुलिस काम कर रही है, ऐसा अलग अलग बहुत सारी विंग बन गई है जो साइबर क्राइम पर काम कर रही है, बावजूद इसके ये तमाम सारी चीज़ें सामने आ जाती है, ये जो राजनीति की डगर है या जिस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं ये फिसलन भले ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन क्यों फिसल जाते हैं जब आपको पता है कि एक MMS बन जाएगा, यहाँ मोबाइल है, यहाँ कैमरा है, तो क्या इसमें वास्तव में कुछ और भी पीछे होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में क्या है, देखिए ये जैसा अभी आदरणीय ने कहा कि साहब ये एक जीवन का अंग है या इसको एक अपन उस हिसाब से देख सकते हैं, मेरा आपसे निवेदन ये है कि ये जो भी जिन्होंने भी बनाया है या ये जो लोग उसमें संलिप्तता जिनकी पाई जा रही है या दिखाया जा रहा है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका कोई MMS बने या वो सार्वजनिक किया जाए। एक बात समझ लीजिए आप मेरी, मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूँ। खैर आज तो ये आपका मोबाइल आ गया और MMS बन रहा है। छत्तीसगढ़ के ही एक कद्दावर नेता थे, वो मंत्री हुए सेंट्रल में, और वो एक होटल में रुके और जो भी डील हुई उसका बाकायदा उसकी CD बनाई गई और फिर उसके बाद में वो सार्वजनिक की गई। तो उससे ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या ये चरित्र हत्या करने के लिए ये काम किया जा रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हुए बंगारू लक्ष्मण जी, उनके साथ भी ये हुआ कि जब हम मैं पार्टी के लिए आपको फंड देना चाहता हूँ और उसकी CD बनी और सार्वजनिक की गई, इसके बाद में उनको त्यागपत्र देना पड़ा, अब तो शायद शांत हो गए वो लक्ष्मण जी। तो इस तरह का ये जो किया जाता था करते वो जो है वो प्लांटेड कहेंगे उसको अपन। और अब जो ये चल रहा है ये जो है ये एक तो समाज की विकृति, एक बात समझ लीजिए मेरी आप ये तो उन्होंने वहां के हरियाणा के या हिमाचल के कहां के नेताओं का डाला है। आप, मैं भी चूंकि इस्तेमाल करता हूँ व्हाट्सएप भी Facebook भी, आप जरा थोड़ा देखिए कहाँ कहाँ से लोग किस तरह के नग्न चित्र डाल देते हैं, सवाल ये है, और आप उनको खोज नहीं पाते क्योंकि अपन उतनी जानकारी नहीं रखते हैं। तो समाज को ये भटकाने वाला काम हो रहा है आज के नेता, मतलब कांग्रेस के भी कई नेता ऐसा नहीं है कि नहीं इन्वॉल्व रहे हैं या नहीं उनका मामला हुआ। अब मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये मामला वो गुजर चुका, अनन्य सरी उस पर डिबेट करें कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आज ये जो हो रहा है या जिनका भी ये दिखाया गया है वो मैं तो नहीं समझता कि कदापि कि वो लोग चाहेंगे कि उनके चरित्र को इस तरह सार्वजनिक किया जाए। जी जी जी, बिल्कुल ठीक। सैलिन जी, जैसा आप कह रहे थे, अजय शाह जी कह रहे थे कि ज़्यादातर जो नाम एक लंबी फहरिस्त है वो आपकी पार्टी की, और आपकी पार्टी तो वास्तव में चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, और आप भी उसी पार्टी के हैं, आप जैसे नेता भी यहाँ बैठे, तमाम सारे एक लंबी फहरिस्त वो है जो वास्तव में चाल चरित्र चेहरे के ऊपर चल रही, लेकिन यहाँ आकर वो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी का चरित्र क्यों बिगड़ रहा है? देखिए, माननीय अजय शाह जी ने जब पार्टी से कनेक्ट किया है तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि पंडित नेहरू और लेडी माउंटबेटन के किस्से बहुत चर्चित रहे। माननीय अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये क्योंकि इसको पार्टी से कनेक्ट कर रहे हैं। ये भी सर्वविदित है कि माननीय राहुल जी कुछ दिनों बाद विदेश यात्रा पे चले जाते हैं और वो कोई सिक्योरिटी लेके नहीं जाते। अब मैं इससे ज़्यादा बात क्योंकि पार्टी की इन्होंने करी है इसलिए मैं ज़्यादा खोलना नहीं चाहता, बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। एक बात मैं कह दूँ, जो चीज़ गलत है जो हमारे समाज में स्वीकार नहीं वो अस्वीकार है। जी, बिल क्लिंटन और लेवेंस्की का केस सबको मालूम है और उसके बाद भी वो उनको पद से पदच्युत नहीं किया गया, पद से हटाया नहीं गया, और हिलेरी क्लिंटन ने भी इस बारे में मौन साध लिया। वास्तव जो कल्चर धीरे धीरे परकोलेट हो रहा है हमारे समाज में,
ये इसकी विसंगति है जी। आप देखिए पोर्न साइट्स आप खुले में बच्चे देख रहे हैं, अब जब बच्चे ये देख रहे हैं तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा हम और आप सोच सकते हैं। जो चीज़ वर्जित है समाज में वो वर्जित है, अब उसके लिए किसी दल को अगर आप कनेक्ट आएंगे तो बात लंबी निकल जाएगी। फिर अपन को एक मर्यादित भाषा उससे हटना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मैं भी इसलिए पार्टी अब चूंकि स्वाभाविक रूप से जो वीडियो सामने आया, ऑडियो MMS सामने आया तो उसमें जिक्र जरूर हुआ है पार्टी का। लेकिन अजय शाह जी ये बात बिल्कुल सच है कि किसी एक पार्टी पर तो आप आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये कैसी फिसलन है, इसमें कौन आएगा कौन फंसेगा किसी को भी नहीं पता है, और कई दफ़ा तो जाने अनजाने में भी हो जाता। लेकिन क्या है इसका रास्ता? देखिए आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि बड़ी फिसलन भरी है डगर राजनीति की, लेकिन राजनीति की डगर फिसलन भरी है और साथ ही साथ इवोल्यूशन भी हो रहा है। आज हर व्यक्ति जो राजनीति में आना चाहता है वो गाये बगाये, वो जिस तरह से हमारे शैलेंद्र जी एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए हैं, है ना, और उस वहाँ तक शायद वो नहीं पहुँच पाए जहाँ वो पहुँचने चाहते हैं। आज का जो बंदा है वो बहुत जल्दी रॉकेट साइंस में के दरमियान ऊपर जाना चाहता है, और वहीं प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे फिर नैतिकता गौण हो जाती है उसके लिए। वो सीढ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि मेरा लक्ष्य कहाँ है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो एक फिसलन भरी है। और वो राजनीति में क्या होता है कि अगर मैं आज मेल हूँ और अगर मेरा बॉस कोई अगर फीमेल है, अगर मुझे उसके सीढ़ी बना के उसके कंधे पे या उसके रहमोक्रम से ऊपर जाना है तो डेफिनेटली मैं वो कोशिश करूंगा कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उसको स्वीकृत हैं, और वाइस वर्सा। अगर मैं मेल हूं, गंदगी है राजनीति में, मैं वही बोलता हूं, ये एक गंदगी है ये जो चल रही है और बहुत ज्यादा आ रही है जी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बख्श देता है खुदा, जिनकी किस्मत खराब होती है वो हरगिज नहीं बख्श देने चाहिए जिनकी नीयत खराब होती है। ये MMS इन गलत नीयत का वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल लाइफ में अगर कुछ होता है तो शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छी चीज कही, बिल क्लिंटन और लेविंस्की की बात ठीक है, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी, पांडे जी भी वही कह रहे थे। देखिए राजनीतिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन अगर हम अलग अलग रखेंगे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राजनीतिक रूप से मैं सफल हो सकता हूँ, व्यक्तिगत उसमें आज के युग में आप देखिए वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है। हिंदुस्तानी कल्चर में संस्कृति एक अपनी, लेकिन धीरे धीरे हम गाहे बगाए वहीं जा रहे हैं जो हमको अच्छा लग रहा है जी जी, वेस्टर्न कल्चर बिल्कुल। मैं शंकर पांडे साहब के पास वापस चलूंगा। शंकर पांडे जी, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये फिसलन रुकेगी कैसे, क्या लग रहा है आपको? जिस तरह की बार बार देखिए गलती होती है, पहले कुछ ऐसे सीनियर राघव जी की हम बात कर ले, उन्होंने गलती की, खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि एक अच्छे नेता निश्चित रूप से राजनीति से गायब हो गए। गलती कैसे हुई क्या हुआ वो अलग मुद्दा है। उसके बाद और भी दूसरे तमाम सारे नेताओं के नाम आते हैं, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन ये जो फिसलन भरी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इससे नेता क्यों नहीं सुधर जाते? ये तो सबको पता है कि हमारा सब कुछ बन सकता है, बार बार मैं वही कह रहा हूँ, मोबाइल भी है कैमरे भी है, लेकिन बाज क्यों नहीं आते, इसके पीछे आपको भी कुछ और नजर आता है? साहब मेरा ये कहना है कि राजनीतिक पार्टियां जो थी, पहले लोग राजनीतिक पार्टियों में ज्वाइन क्या करते थे कार्यकर्ता के रूप में, बड़ा हल्ला था कि लोग दरी उठाते हैं, कुछ साल उनको तौला जाता था, उनको अनुशासित किया जाता था, फिर उनको कोई चुनाव लड़ाने के योग समझा जाता था। आजकल कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि किसी अधिकारी को टिकट दे दी गई, दूसरे दल से आए हुए लोगों को टिकट दे दी गई, ठीक बात, जिन्हें पार्टी की रीति नीति की जानकारी नहीं है उन्हें टिकट दी गई, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे राजनीति से कोई संबंध नहीं है उसको अचानक राजनीति में लाकर टिकट दे दी गई। तो मैं समझ रहा हूँ ये जब मिला जुला जब कल्चर आएगा तो राजनीति में इस तरह की घटनाएं सामने तो आएंगी जी, क्योंकि किसी पार्टी का अनुशासन जो है वही सब करता है। जहां तक बड़े नेताओं का सवाल है कि अब वो जो जिस तरह की फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, जिस तरह के आजकल सीरियल चल रहे हैं, उनसे अश्लीलता ही परोसी जा रही है जी, और उससे समाज में सभी वर्गों में असर पड़ रहा है, हमारे नेताओं में पड़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो उसमें भी लोग उसका लाभ लेने के लिए भी इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं जी जी।
तो समाज में सुधार के लिए एक दबाव बनाना पड़ेगा, नेताओं पे दबाव बनाना पड़ेगा, ऐसे नेताओं का सामाजिक बायकॉट करना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हो भी गया नेताओं का बायकॉट धीरे धीरे कर कर, जो ऐसा गलती कर बैठा है उसको बायकॉट अपने आप हो गया, समाज ने उसको कर भी दिया है, और दूसरी दफ़ा वो सामने भी नहीं आ पाया है। लाख कोशिशें कर ली उसने लेकिन जगह नहीं मिली। चलिए आप चारों, शैलेंद्र प्रधान जी, सतीश सक्सेना जी, अजय साह जी, शंकर पांडे साहब, आप चारों मेरे साथ जुड़े। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पर जितनी चर्चा कम होगी वही कम पड़ जाएगी, समय कम पड़ेगा, लेकिन ये सच है कि ये डगर बड़ी फिसलन की है। संभल कर चलिए, पल पल पर खतरा भी है और पल पल पर वो कैमरा भी लगा हुआ है जो आपको देख रहा है, आपको कैद कर रहा है, लेकिन ये तो आपके ऊपर है। सार्वजनिक जीवन में जब आप आ गए हैं, राजनीति में आ गए हैं, तो थोड़ा सा समाज से अलग हटकर है, और समाज भी यही चाहता है कि जब हमने आपको कुछ अलग हट के देना चाहते हैं तो आपसे लेना भी चाहते हैं। ऐसा कुछ मत दीजिए जिससे पार्टी की भी छवि खराब हो और आपकी भी। चलिए आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ बुलेटिन।